जी हाँ दोस्तों, वक्त है Realme 7 Pro वर्सेस Samsung Galaxy M31s पे नज़र डालने का। अब इन दोनों फोन्स में से अगर आप कोई फ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं, मतलब लेस देन 20,000, तो वो कौन सा होना चाहिए। वैसे पोको X2 के साथ दोस्तों कंपैरिजन बहुत जल्द आएगा। अभी दोस्तों पता लगाते हैं कि इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, कैन टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों दोनों ही फोन्स के डिजाइन से। एंड यहाँ पे जो बैक पैनल है वो दोनों ही फोन्स में अब पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक बैक आपको मिल जाता है। एंड दोनों ही फोन्स में देखो जो फिनिश है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। M31s में आपको ग्रेडियंट फिनिश मिलता है एंड वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं Realme में आपको जो फ्रॉस्टेड बैक है वैसा फिनिश मिल जाएगा। अब फिंगरप्रिंट मैग्नेट वो भी है लेकिन इतना ज़्यादा फिंगरप्रिंट वहाँ पे दिखता नहीं है। अर्गोनॉमिकली दोस्तों मुझे Realme ज़्यादा पसंद आया बिकॉज वहाँ पे एजेस थोड़े से कर्व्ड है, थोड़ा सा लाइट वेट है डिवाइस। एंड अगर आप ओवरऑल विड्थ भी देखो तो वो भी 1 mm कम है, आई नो 1 mm के आसपास है। एंड ऐसे में Realme दोस्तों मुझे इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर लगा। अब दोनों ही फोन्स में दोस्तों आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, लेकिन एक नई चीज़ जो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में देखने को मिली है, एक्चुअली ओप्पो कर रखा है। एंड अब दोस्तों Realme में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है एंड M31s में वो स्टीरियो स्पीकर मिसिंग है। अब फिंगरप्रिंट की सेंसर की बात करें तो बैक पैनल में किसी के नहीं है, लेकिन M31s में सुपर एमोलेड स्क्रीन होते हुए भी आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बट Realme में दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। एंड स्पीड वाइज दोस्तों दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एंड आप पता मतलब देखो, आपको अगर इन डिस्प्ले पसंद है तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। M31s में अगर जो साइड माउंटेड है वो अगर आपको पसंद आया तो देखो पर्सनल चॉइस है, राइट। एंड ओवरऑल दोस्तों मैं डिज़ाइन भी है उसका पर्सनल चॉइस ही मांगता हूँ। तो ऐसे में अगर आपको M31s का बैक पैनल ज़्यादा पसंद आया तो बढ़िया है। वैसे अगर आप अपने फ़ोन पे केस या कवर चढ़ाते हैं, एंड मैं हिदायत ज़रूर दूंगा कि आप इन दोनों फ़ोन्स में दोस्तों केस या कवर ज़रूर चढ़ाएं, एंड बैक पैनल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और दोस्तों सिम कार्ड स्लॉट की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप जो 64 GB वाला वेरिएंट है वो भी खरीद सकते हैं और उसके बाद अपग्रेड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के जरिए। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों ही फोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है एंड जो रिफ्रेश रेट है वो है 60Hz। तो रिफ्रेश रेट के बारे में दोस्तों मैं OS वगैरह में और बात करूंगा बिकॉज वहाँ पे UI बहुत मैटर करता है। अभी दोस्तों अगर मैं जो कलर रिप्रोडक्शन है उसकी बात करूं तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, ज़्यादा फर्क है नहीं। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट दोनों ही डिवाइसेस में है, लेकिन मीडिया कंज्यूम करते समय जो स्टीरियो स्पीकर है M31 के ऊपर Realme 7 Pro का, वो दोस्तों मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। अब इन दोनों फ़ोन्स में अगर ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है सैमसंग में। वैसे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको Realme में नहीं मिलता, वहाँ पे और कोई डिफरेंट वेंडर का प्रोटेक्शन है। एंड बेसिकली देखो फ़ोन में स्क्रैचेस आने ही हैं तो टेम्पर्ड गार्ड या स्क्रीन गार्ड लगा लेना। एंड अभी तक ड्रॉप टेस्ट दोनों का हुआ ही नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। वैसे डिस्प्ले वाइज अगर 90Hz अगर आप देख रहे हो तो दोनों ही फ़ोन्स में वो आपको नहीं मिलेंगे। और दोस्तों स्पीकर्स के बारे में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि चाहे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं Realme में, ऑफ कोर्स लाउडनेस ज़्यादा है, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम पे मुझे दोनों ही फ़ोन्स के स्पीकर्स इतने बढ़िया नहीं लगे। मतलब जो क्लैरिटी मैं स्टीरियो स्पीकर से मतलब देखो M31s में तो चलो क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन जो तरीके की क्लैरिटी मैं Realme 7 Pro से जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम कैमरा के बारे में। तो कैमरा स्पेसिफिकेशन हम सभी जानते हैं, है ना। 64 मेगापिक्सल सोनी 682 का सेंसर आपको दोनों में मिल जाता है। एंड इसके बाद में और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा फोटो क्वालिटी के बारे में। तो डे लाइट फोटोज़ में दोस्तों मैंने ये देखा है कि जो सैमसंग के फोटोज़ हैं थोड़ा सा ज़्यादा चलो उसमें सैचुरेशन होता है, लेकिन ओवरऑल डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया पिकअप किया है। एंड डे लाइट फोटोज़ ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन हो चाहे वो पोस्ट प्रोसेसिंग हो डायनेमिक रेंज की, वो दोस्तों मुझे सैमसंग में ज़्यादा बढ़िया लगी। एंड नॉट ओनली ऑन द प्राइमरी लेंस, मुझे सेकेंडरी लेंस जो वाइड एंगल लेंस है उसकी भी दोस्तों फोटोज सैमसंग में ज़्यादा बेटर लगी। इसके बाद अगर मैं पोर्ट्रेट फोटोज़ की बात करूँ एंड अगर मैं सेल्फीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे भी दोस्तों सैमसंग का काम बहुत बढ़िया है। सेल्फीज़ में सैमसंग जो बैकलिट HDRs है उसको बहुत अच्छी तरह कैप्चर करता है, तो अगर आप डे लाइट सेल्फीज़ भी ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सैमसंग की फ़ोटोज़ ज़्यादा बेटर लगेगी। लेकिन अगर आप नाइट फोटोज़ में नज़र डालते हैं तब दोस्तों वहाँ पे Realme का काम बहुत अच्छा है। एंड सैमसंग कहीं ना कहीं देखो हमने देखा भी है कि नाइट फोटोज़ में थोड़ा बहुत लैग करता है, एंड Realme ने बजट फोन्स में भी बहुत अच्छे अच्छे नाइट फोटोज़ दे रखे हैं। तो नाइट फोटोज़ के हिसाब से
Realme ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो देखो 1080p में दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन Realme में अभी नया एक वीडियो मोड आया है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वीडियोस मिलते हैं, तो स्टेबिलिटी तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन जो क्लैरिटी है और वो जो क्वालिटी है वो दोस्तों वहाँ पे थोड़ा बहुत Realme आपको कम देता है। तो ओवरऑल कैमरा में मैं यही मानता हूँ कि Realme 7 Pro में ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन अभी के लिए Samsung Galaxy M31s की जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, एंड चिपसेट्स की अगर बात करें तो Exynos 9611 वर्सेस Snapdragon 720G है, और अगर मैं दोस्तों जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, एक्चुअली टेस्टिंग कर रहे थे, तब तक PUBG बैन नहीं हुआ था, एंड अब PUBG बैन हो चुका है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि चलो PUBG जैसा भी चला वो 720G में बहुत बेटर चलता है, हम सभी जानते हैं। एंड एक बात है कि PUBG चाहे बैन हो गया हो, लेकिन इसके अलावा आप कौन सा गेम चाहते हैं जो हम अपने रिव्यूज़ में लेकर के आएँ, कंपैरिजंस में लेकर के आएँ, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं डे टू डे यूसेज की बात करूँ तो डे टू डे यूसेज में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, ट्रस्ट मी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो Realme UI है वो थोड़ा स्मूथ लगता है मेरे को OneUI के मुकाबले। लेकिन OneUI में फालतू के एड्स और नोटिफिकेशंस नहीं है, Realme में थोड़े बहुत एड्स, मतलब एड्स तो नहीं है लेकिन नोटिफिकेशंस वगैरह हैं। एंड यहाँ पे देखो यू बी द जज, दोनों में आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, सिक्योरिटी वाइज आपके ऊपर है, एंड Samsung OneUI मेरे को थोड़ा सा बेटर लगता है, चाहे वो थोड़ा सा स्लो एंड स्लगिश क्यों ना हो, लेकिन सिक्योरिटी वाइज एंड डेटा वाइज मतलब मैं पर्सनली उस पर ज़्यादा रिलाई करता हूँ, है ना, लेकिन ये मेरा पर्सनल बायस है। अगर आपको Realme पसंद आता हो, Realme UI, इट्स गुड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो 4500 वर्सेस 6000, 6000 mAh की बैटरी है Realme 7 Pro वर्सेस Samsung Galaxy M31s में। एंड चार्जिंग वाइज भी यहाँ पे देखो तो आपको 65W का चार्जर मिलता है Realme 7 Pro में, लाइक माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही जल्दी, मतलब 15 मिनट में 50% बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन अभी दोस्तों Samsung 25W का चार्जर लेकर के आई, मुझे लगता है कि Samsung एक जनरेशन पीछे ही चलती है चार्जिंग वाइज अगर आप दूसरे फ़ोन से कंपेयर करो, एंड ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन एक बात है देखो, Realme में बैटरी अगर आप देखो Samsung के मुकाबले तो थोड़ा कम चलती है, 6000 mAh की बैटरी आउट परफॉर्म करती है 3-4 घंटे, 5-6 घंटे का भी बैकअप ज़्यादा देती है अगर आप Realme से कंपेयर करें, 10-12 घंटे 11 घंटे का भी SOT मिल के रखा है। तो ओवरऑल देखो कहीं पे चार्जिंग स्पीड बढ़िया है तो कहीं पे बैकअप बढ़िया है। अब Realme में आपका ऐसा है कि भाई 10-15 मिनट के लिए चार्ज लगा दो और आप एक बार में निकल जाओगे, वहीं है कि आपको 25-30 मिनट का चार्ज लगाना पड़ेगा Samsung में, तब आपका यहाँ पे आराम से 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। तो देखो ज़्यादा फ़र्क है नहीं, राइट, ऑफकोर्स चार्जिंग स्पीड Realme की बहुत ही बढ़िया है, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो आपको Realme 7 Pro में ही मिलेगी, ना कि Samsung में। एंड इसके बाद दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ चुका है, तो इस बार Realme का जो फ़ोन है वो 500 रुपये महंगा है अगर आप Samsung के मुकाबले कंपेयर करें। एंड यहाँ पे दोस्तों जो डिज़ाइन वाइज है वो मुझे Realme थोड़ा बेटर लगा, इसके अलावा 720G चिपसेट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है अगर आप गेम वाइज देखें। Realme UI ऑफ कोर्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे OneUI अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको देखो Samsung का फ़ोन चाहिए जो आपको OneUI दे एंड कैमरा क्वालिटी बढ़िया दे, अगर आप इतने ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते हैं, देखो सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोनों में है, तब आप Samsung खरीद सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ आपको फास्टेस्ट चार्जिंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट चाहिए, एंड एक अच्छा प्रोसेसर जिसमें आप मीडियम सेटिंग्स में PUBG के अलावा और जो उसके तरीके के गेम्स अगर आप वो खेलना चाहते हैं, तब दोस्तों आप Realme 7 Pro खरीदें। दोनों फोन्स के सारे जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, बाय लिंक है, वो मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, एंड ये बताना मत भूलना कि कौन से गेम का आप चाहते हैं कि भाई हम रिव्यू एंड कंपैरिजन में यूज़ करें, प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।